क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। क्वेश्चन में हमें नंबर दिया हुआ है, हमें उस नंबर को ये बताना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसके बाद में ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 392 सबसे पहले लास्ट एंड हो रहा है हमारा 2 से, तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 196। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 98। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 49। और 49 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 जा 49 एंड 7 जा 7। अब हम यहाँ से हमारे पास जो जो हमारे पास पेयर्स आए थे हम सारे पेयर्स लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब लिखेंगे हम। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 7 का एक पेयर हो गया और इस 2 का एक पेयर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर बचा है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो अगर हम इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या होगी क्वेश्चन के लिए, इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। 392 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 784। तो दो पेयर हमारे पास 2 के हो गए और 1 पेयर हमारे पास 7 का हो गया। तो 2 पेयर से मतलब दो बार 2 आया हमारे पास, 2 × 2 एंड इन मल्टीप्लाई 7, दैट्स वाई वी गेट इट्स रूट इज़ 28। 216 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 से डिवाइड करेंगे 216 को तो हमारे पास आएगा 108। अब अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 54। अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास आएगा 27। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 9। और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 एंड 3 × 1 = 3। अब जितने भी हमारे पास जो भी इसके मल्टीपल्स आए हैं हम सारे मल्टीपल्स लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया है, 3 × 2 आया है एंड 3 × ये हमारे पास 3 आया है। अब अगर मैं हम यहाँ से पेयरिंग बनाए तो 2 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया। अब हमारे पास 2 और 3 ऐसे नंबर है जिसके कोई पेयर नहीं है, इट मीन्स 2 और 3 हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 6। अगर हम इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 6 से इसको और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1396 आएगा। और जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो जो हमारे पास फैक्टर आए 216 के वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 1, 2 और 1, 3 और हमारे पास आएगा। रूट का साइन हटाएंगे तो हम पेयर्स बनाएंगे, हमारे पास 2 पेयर हैं 2 के और 2 ही पेयर हैं हमारे पास 3 के। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। इसका रूट क्या आएगा, 36। इट मीन्स जो ये गिवन नंबर है फिर एक इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 6 इट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36। नाउ कम टू पार्ट सी एंड द नंबर इज 11045। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 11045 हमारा नंबर एंड हो रहा है 5 से, तो सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2209। अगेन हम इसको, अब 2209 हमारा किसी के टेबल में नहीं जा रहा, तो इसी मेथड में हम डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है हमें पता नहीं है। तो हम अपना डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। डिवीज़न मेथड में जो हमारे पास गिवन नंबर होता है उसकी पेयरिंग करते हैं, तो लास्ट से पेयर करते हैं। 09 का एक पेयर बन गया, 22 का एक पेयर बन गया। अब हम टेबल करते हैं, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 एंड 5 × 5 = 25। 25 बड़ा हो गया, इट मीन से 4 के टेबल से जाएगा। 4 × 4 = हमारे पास हो गया 16। अब 22 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब जो हमारे पास जो रिमेनिंग नेक्स्ट पेयर है वो कंप्लीट पेयर नीचे आ गया, तो हमारे पास आ गया 609। अब जो हमारे पास क्वेश्चन और डिवाइज़र है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। 4 और 4 को ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 8।
तो इट मीन्स 8 यहाँ पे आ गया। अब 87 को जो नंबर हम डिवाइजर में लिखेंगे उसी को ही हम क्वेश्चन में लिखते हैं। 87 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 609। इट मीन्स ये जो नंबर है 2209, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 47 का। तो इट मीन्स हम इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे 47 को जब हम 47 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2209, एंड अगेन 47 वन जा 47। तो अभी आपको अभी आपने जो पेयर्स हैं, आपने जो पेयर बनाए हैं, इसमें हम इजीली अपने उन पेयर्स को लिखेंगे जो मल्टीपल्स आए हैं हमारे पास आफ्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 × 47 × 47। तो यहाँ से 47 का तो एक पेयर बन रहा है, लेकिन हमारे पास 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 5, इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये भी बताना है कि उसके बाद में किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो हमारे पास क्या नंबर आया था, 47 था ना हमारे पास, तो 47 हमारे पास, 47 से हमारे पास एक 47 का जो पेयर बना वहाँ से 47 बाहर आ गया। और अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 235। इट मीन्स 235 इस नंबर का, ये नंबर 235 का स्क्वायर रूट होगा। नाउ कम टू पार्ट डी एंड द नंबर इज 3698। सेम इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखेंगे। पहले 3698, लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के पास हमारे पास आता है 1849। अब 1849 हमारे पास ऐसा नंबर आ गया है जो इजीली किसी के टेबल में नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम अपना अगेन जो डिवीजन मेथड है वो यूज़ करेंगे। 1849 लास्ट से पेयरिंग करेंगे, 49 का एक पेयर हो गया, 18 का एक पेयर हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना डिवीजन मेथड में, तो 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 25 बड़ा हो रहा है तो इट मीन्स ये 4 पे जाएगा, 4 × 4 = 16। अब 18 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा, 49 विद पेयर कंप्लीट नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 को, क्योंकि डिवीजन डिवाइजर को कोशेंट से हम ऐड करते हैं। 4 और 4 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। अब 8 को जब हम 3 डिवाइजर में लिखेंगे, 3 कोशेंट में लिखेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 249। इट मीन्स जो ये गिवन नंबर है ये हमारे पास 43 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? 43 का। 1849 है, ये किसका स्क्वायर होगा? 43 का। 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1849, और 43 × 43। अब जो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं हम उनको लिखेंगे 2 × 43 × 43। अब हमारे पास 43 का तो पेयर बन रहा है, बट 2 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो हम इजीली लिख सकते हैं इफ़ वी मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 2, इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 3698 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 7396। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर होगा 2 का और एक पेयर होगा 43 का, दैट्स वाई इट्स स्क्वायर रूट इज 86। 43 × 2 वी गेट 86। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1104, लास्ट में एंड हो रहा है इवन नंबर से, ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ रहा है 5547। अब अगेन हम इसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1849। अभी मैंने डी पार्ट में इसका 1849 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 43 का, जो मैंने अभी डी पार्ट में आपको डिवीज़न मेथड से करके दिखाया था। 43 × 43। तो सबसे पहले हम अपने मल्टीपल्स लिखेंगे। हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं 2 × 3 × 43 × 43। तो यहाँ से हमारे पास 43 का तो अपना पेयर है, बट
टू और थ्री ऐसे नंबर है जिसका कोई जिसका पेयर नहीं है, तो इट मीन्स इस टू और थ्री की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है सिक्स. तो हम इजीली लिख कह सकते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय सिक्स इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर. अब जो हमारे पास 43 का जो पेयर है वहाँ से हमारे पास 43 को हम नीचे ले आएंगे, और जब हम इसको 43 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 258. इट मींस अगर इस नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होगा, 258 का. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द स्टेटमेंट इज In each of the following question, find the smallest number by which it should be added to get a perfect square. Find the perfect square 14. हमारे पास कुछ numbers given है, हमें ये बताना है कि उसको किस smallest number से हम divide करें जिससे कि वो एक perfect square बन जाए, और division के बाद में जो number आएगा वो किसका perfect square होगा हमें ये बताना है. सबसे पहले हम start करते हैं A part से. हमारे पास A part में number है 4050. सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके मल्टीपल्स निकालेंगे. 4050 सबसे पहले हमारे नंबर 2 से डिवाइड होगा. जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास नंबर आएगा 2025. अभी हमारा 5 से डिवाइड होगा. 5 से डिवाइड होने के बाद में हमारे पास नंबर आएगा 405. नाउ इट डिवाइड्स बाय 3. 3 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास आएगा 135. अगेन ये हमारे पास 3 के टेबल से डिवाइड होगा तब हमारे पास आएगा 45. अगेन ये 3 से डिवाइड होगा और हमारे पास आएगा 15. अब आगे का डिवीज़न 15 बचने के बाद ये अगेन हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 5 पे जाएगा, एंड नाउ ये 5 से डिवाइड होगा. तो कम्प्लीट डिवीज़न हो गया हमारे पास. अब जो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं उसमें हमारे पास हम सारे मल्टीपल्स लिखते हैं. तो मल्टीपल्स हैं 2, 5 मल्टीप्लाई 5, एंड हमारे पास 2 पेयर 3 के आए हैं. 3 × 3 × 3 × 3. अब हमारे पास जो पेयर्स आए हैं 5 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, एंड अगेन 3 का एक पेयर बन रहा है. सिर्फ हमारे पास एक नंबर 2 ऐसा 2 नंबर ऐसा है जिसका कोई पेयर नहीं है. तो सिंस 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4050 इज डिवाइडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर इज 2. देयरफॉर इफ वी डिवाइड 4050 टू 2 द नंबर वी गेट इज 2025 एंड इट विल बिकम अप इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया है. अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा हमें ये फाइंड आउट करना है. अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 2025 का. 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास अगेन हमारे पास जो इसके मल्टीपल्स आएंगे 2 × 5 एंड 2 पेयर्स ऑफ 3 आएगा. और यहाँ से हमारे पास आया है 5 × 3 × 3. और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45. तो इट मींस जो हमारा नंबर है 2025 ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 45 का. नाउ कम टू पार्ट बी एंड द नंबर गिवन इज 17328. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे हम इसको भी. सबसे पहले हमारे पास 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास आएगा 8664. अगेन ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड होने के पास हमारे पास आएगा 4332. अगेन ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड होने के पास अब हमारे पास आएगा 2166. अगेन ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा. अब हमारे पास नंबर आएगा 1083. अब ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, और एंड आफ्टर डिविज़न बाय 3 वी गेट 361. अब 361 ऐसा नंबर आ गया है जो हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है इजीली. तो अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, बट हम इसमें अपना डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. तो 361 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आएगा 1. 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2,
और 61 का कंप्लीट पेयर नीचे आ गया। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 2। तो 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 261। इट मीन्स ये जो नंबर हमारे पास आया है 361, ये किसका स्क्वायर होगा? 19 का। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया है। अब हमारे पास जो मल्टीपल्स आएंगे हम वो लिखते हैं। जो नंबर है 17328 के मल्टीपल्स हमारे पास आए हैं, टू पेयर्स हमारे पास आए हैं 2 के, थ्री अनपेयर्ड आया है हमारे पास एंड 1 पेयर ऑफ 19। अब यहाँ से हम अगर पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 19 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर है, 2 का भी, सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है। तो सो 3 लेफ्ट अनपेयर्ड, सो इफ़ वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 3 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमारे पास गिवन नंबर क्या है? 17328। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट? द नंबर इज 5776 एंड 5776 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर आया है, जो ये नंबर आया है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो 5776। अब हम इसके पेयर्स लिखते हैं तो इसके पेयर्स आएंगे हमारे पास 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 × 19। अब यहाँ से हमारे पास 2 × 2 × में 19 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया है, और 2 × 2 = 4, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 76। इट मीन्स द गिवन द नंबर 5776 इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 76। नाउ कम टू पार्ट सी एंड द नंबर गिवन इज 53016। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26508। अब अगेन है ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13254। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 6627। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आया है 2209। अब ये नंबर ऐसा आ गया हमारे पास इजीली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसमें भी हम डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं। 2209 हमारे पास दो पेयर बनेंगे, 09 का एक पेयर बना है, 22 का एक पेयर बना है। हम स्क्वायर वाले टेबल बोलेंगे तो 4 × 4 = 16 होता है हमारे पास। 22 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 6। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है 09, हम उसको नीचे उतारेंगे, 4 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब जब 87 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 609। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर हमारे पास आया है ये किसका स्क्वायर है? 47 का। तो 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 209। हम सारे इस नंबर के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। गिवन नंबर हमारे पास था 53016, इसके मल्टीपल्स लिखते हैं तो हमारे पास 3 × 2 आया है, 1 × 3 आया है एंड 47 का पेयर आया है। अगर हम यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो 47 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया। हमारे पास 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो दोनों ही हमारे पास अनपेयर्ड बचे हुए हैं। इट मीन्स 2 और 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। इट मीन्स इफ़ वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 6 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 53016 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 8836। इट मीन्स 8836 इज अ नंबर, इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर हम 8836 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल्स आते हैं 2 × 2 × 47 × 47। अब यहाँ से हमारे पास 2 × 2 × 47 और 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 94। इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 8836 विल बी 94।
नाउ कम टू पार्ट डी एंड द नंबर इज 38440. सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. 38440 टू से डिवाइड करने के करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 19220. अगेन हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9610. अगेन ये हमारे पास टू से डिवाइड होगा तो हमारे पास नंबर आएगा 4805. अब हम इसको फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 961. अब अगेन हमें ये नंबर हमारे पास किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो अगेन इसमें हम डिविज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं. 961 61 का एक पेयर हो गया, 9 का एक पेयर हो गया. स्क्वायर वाली टर्म बोल स्क्वायर वाली टेबल बोलेंगे तो 3 3 9 होता है हमारे पास, और 9 में से 9 जाएगा, हमारे पास 0 बचेगा, तो 61 का कंप्लीट पेयर नीचे आ जाएगा. और 3 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6. अब 61 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 61. इट मीन्स जो गिवन नंबर है वो हमारे पास किसका स्क्वायर है, 31 का. यानी 31 जा 996. अब हमें क्या करना है, अपने मल्टीपल्स लिख लेने हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया है तो हमारे पास जो गिवन नंबर था 38440 इसके मल्टीपल्स होंगे हमारे पास 3 times 2, 2 multiply 2 multiply 2, 1 time 5 एंड 2 times 31. अब अगर यहाँ से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया, 31 का एक पेयर बन गया. यानी हमारे पास 2 and 5 एक ऐसे नंबर बचे हैं जिनका कोई पेयर नहीं है. तो इट मीन्स 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 होता है हमारे पास. तो इट मीन्स इफ़ वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 10 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ डिवाइड 38440 विद 10, वी गेट 3844. अब हमें क्या करना है, 3844 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें 3844 का. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, अगेन हमारे पास होगा 2 multiply 2 multiply 31 multiply 31. यहाँ से हमारे पास नंबर आएगा 2 multiply 31, यानी हमारे पास नंबर आ गया है 62. इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर इज 62. नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट ई, एंड द नंबर इज 5832. सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम 5832, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2916. अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर आएगा 1458. अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 729. अगेन फिर से ये नंबर ऐसा आ गया है. अब हम इसको फिर से इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए. 729 का 29 एक पेयर हो गया, 7 का सिंगल पेयर हो गया. स्क्वायर की टेबल बोलते हैं तो 2 2 जा हमारे पास होता है 4, और जब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और ये 29 पूरा कंप्लीट पेयर नीचे. 2 और 2 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 4. 47 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 329. इट मीन्स 729 किसका स्क्वायर हो गया हमारे पास, 27 का. अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है. अब हमें अपने मल्टीपल्स लिखने हैं क्वेश्चन में. तो मल्टीपल्स होंगे हमारे पास, नंबर था 5832, और इसके मल्टीपल्स हमारे पास आए हैं 3 times 2, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 27 multiply 27. पेयर बनाएंगे हमारे पास तो 2 का एक कंप्लीट पेयर बन रहा है और 27 का भी कंप्लीट पेयर बन गया. सिर्फ हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जिसका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है. इट मीन्स इफ़ वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ डिवाइड 5832 टू डिवाइड इट बाय 2. अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 2916. इट मीन्स 2916 विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं 2916 का, तो हमारे पास जो पेयर्स हैं वो होंगे 2 multiply 2 multiply 27 multiply 27. इट मीन्स ए वन पेयर ऑफ 2 एंड वन पेयर ऑफ 27. तो यहाँ से हमारे पास नंबर आ जाएगा
टू मल्टीप्लाई 27, और 27 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 54। मीन्स जो नंबर है 2916।